नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। बात करेंगे हम BPSC 66वीं को लेकर। सबसे प्रमुख बात, 66वीं का भी इंटरव्यू चल रहा है और 67वीं में क्वेश्चन वायरल जिस तरह हुआ, पेपर लीक कर गया, आरोप लगा 66वीं में भी क्वेश्चन वायरल हुआ था। लेकिन कुछ समानताएं हैं और कुछ जो है इन दोनों घटनाओं के बीच में असमानताएं हैं। लेकिन जो भी हो, BPSC में ये रोग लग चुका है क्वेश्चन लीक कराने का। आपको हम बता दें कि 67वीं को लेकर जो है अभी जांच चल रहा है EOU का, और काफ़ी जो लोग हैं वो हम पे आरोप लगाते हैं कि हम किसी को बचा रहे हैं या फिर उनके लिए सेफ खेल रहे हैं। देखिए, हमारा जिम्मेवारी इतना ही है कि जो भी चीज़ निकल के आ रही है उसको आपके पास रखना। हम जज नहीं हैं कि कौन दोषी है या कौन निर्दोष है, ये बताने वाले हम नहीं होते हैं। और आपकी राय, जो भी लोग ऑथेंटिक हैं, जो इस पर बयान दे सकते हैं, उनके हम बयान लेते हैं और वो अपना पक्ष रखते हैं कि किस तरह से ये जांच देखते हैं, किसको वो दोषी मानते हैं, वो उनका मामला है, वो अपना रखते हैं। लेकिन हमारा सरोकार यही है कि जो भी हमें सूचना निकल के आती है उसे ईमानदारी से आपके पास शेयर करें। बाकी सजा न देना या न देना, गिरफ्तारी करना या जो जांच है वो जांच में किस दिशा में होगा, ये सब काम जो है वो एजेंसियों का है, सरकार का है, न्यायपालिका का है, हमारा नहीं है। तो बात हम करते हैं 66वीं और 67वीं BPSC का। 66वीं का मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ आज, क्योंकि उसमें कुछ मुझे ऐसी जानकारियाँ मिली हैं जो कि काफ़ी आश्चर्य मुझे लग रहा है, और मुझे ही नहीं लग रहा है, जो लोग मुझे दिए हैं उन्हें भी काफ़ी आश्चर्य लग रहा है। सबसे पहले हम देख लें कि कैसे 66वीं और 67वीं परीक्षा जो है उसका स्वरूप एक समान रहा और कैसे उसमें कुछ असमानताएं भी रहीं। सबसे पहले 67वीं की तरह 66वीं में भी एक सेंटर पे बवाल हुआ। 66 में औरंगाबाद में बवाल हुआ और उसमें छात्रों ने हंगामा किया सेंटर पे, और उनका कहना था कि परीक्षा में धांधली की जा रही है। उसी तरह 67वीं में देखिए कि आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज में भी बवाल हुआ और वहाँ भी आरोप लगे। आरोप क्या लगे, वीडियो सामने आए कि धांधली हो रही है, कुछ लोगों को स्पेशल सुविधा दी जा रही है और परीक्षा लिया जा रहा है उनसे, और उसको लेकर जांच भी चल रहा है। 66वीं में भी क्वेश्चन वायरल हुआ था, ये कितने छात्र जो हैं वो कह रहे हैं, और हमें भी उस समय सूचनाएँ मिली थी कि क्वेश्चन वायरल था। और 67वीं में तो ये भंडाफोड़ ही हो गया और हमने ही चलाया, आपको परीक्षा के दौरान ही चला दिया था, दिखा दिया था प्रश्न पत्र को कि क्वेश्चन जो है वो वायरल हो चुके हैं, और बाद में उसकी पुष्टि भी हुई और परीक्षा भी रद्द हुआ। लेकिन 66वीं में एक चीज हुआ था कि उसका आंसर वायरल हुआ था, लेकिन 67वीं में क्वेश्चन वायरल हो गया। और यही अंतर रहा कि क्वेश्चन वायरल करना पड़ा, क्योंकि इसलिए क्वेश्चन वायरल इसमें करना पड़ा क्योंकि इसके उत्तर नहीं खोजे जा सके थे, और अपने जो शिकार हैं, जो मूल्य हैं इनके, जो जिनसे इन्होंने पैसा लिया था, उनको आंसर नहीं दे पाए थे ये, इसीलिए क्वेश्चन वायरल कराए। 66वीं में समय से क्वेश्चन भी मिल गया, आंसर भी बना लिया गया और अपने लोगों के पास पहुंचा भी दिया गया। और मैं आपको बताता हूं कि कैसे जो है उस समय जो ये बात दबी जुबान में रह गई थी, दुनिया के सामने नहीं आई थी, उसका पुष्टि कैसे हो रहा है अभी मैं आपको बताऊं कि 66वीं को लेकर महीनों से मॉक इंटरव्यू का खेल चल रहा है। सभी कोचिंग में और जितने भी एक्सपर्ट हैं वो मॉक इंटरव्यू की तैयारी करा रहे हैं। अभी तक मैं बताऊं आपको कि लगभग आधा दर्जन शिक्षक या फिर एक्सपर्ट जो इन मॉक इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, जो कि एक दिन में 20-20 कैंडिडेट का ले रहे हैं इंटरव्यू, उनका कहना है कि आखिर कैसे कैसे ये स्टूडेंट जो है वो BPSC जैसे परीक्षा का इंटरव्यू दे रहे हैं, और उन्हें आश्चर्य है कि आखिर कैसे इन्होंने PT क्वालिफाई किया होगा। वो अभी 108 कट ऑफ, जो कि आज तक BPSC में उतना गया नहीं था, 108 कट ऑफ ये कैसे पार कर सकते हैं कि हिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट हो और उसको ये ना पता हो कि असहयोग आंदोलन पहले हुआ या सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले हुआ। मैंने 6 साल पहले तैयारी छोड़ दिया, लेकिन आज भी मुझे इसके बारे में बहुत कुछ पता है।
और जो तुरंत जो लगा हुआ जो पीटी पास किया है, मेंस पास किया है, उस कैंडिडेट को ये नहीं पता है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो आया था, व्यक्तिगत सिद्धांत जो आया था, उस समय वायसराय कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, क्या वो वायसराय था या गवर्नर जनरल था। फिर से आपको हम बताएं कि असहयोग आंदोलन पहले हुआ या भारत छोड़ो आंदोलन पहले हुआ, इतने में कंफ्यूज करने वाले लोग हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल की बात करें, ज्योग्राफी ऑप्शनल से और ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन करने वाले छात्र को ये नहीं पता है कि प्राइम मेरिडियन रेखा क्या होती है, अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। छात्रों को ये भी नहीं पता है कि अफ्रीका जो है उसकी प्रमुख नदी कौन सी है, और उनका आप बताएं आपको कि ऑप्शनल ज्योग्राफी है, सबसे बड़ी नदी जो है अफ्रीका की कौन सी है, जबकि सारा दुनिया जानता है कि इस दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है वो नील अफ्रीका में ही बहती है, उन्हें ये नहीं पता है। कितने छात्र ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि CAA में जो है मोटा मोटी भारत सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं, किन देशों के लिए प्रावधान किए हैं। आगे उसमें प्रश्न जब बढ़ा जाता है कि आखिर अल्पसंख्यक कौन है, जैसे कि ये CAA में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक कौन है, और कहा जाता है, हिंट्स दिया जाता है कि वहाँ तो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, क्या हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक हैं, तो उसमें कन्फ्यूज कर जा रहे हैं वो। समझिए ऐसे ऐसे लोग, और शिक्षकों ने मुझे बताया कि हमें आश्चर्य हो रहा है कि ये कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि 108 कट ऑफ, जो BPSC के इतिहास का सबसे ज्यादा कट ऑफ था, वो कट ऑफ पार किए हैं, मेंस दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, और इनको ये नहीं पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ या पहले ये हुआ। उनसे प्रश्न किया गया कि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में क्यों कहा भारतीयों को कि आप अंग्रेजों का साथ दें, इसका जवाब उन्हें नहीं पता है। गांधी जी भारत कब लौटे थे ये उन्हें नहीं पता है, साउथ अफ्रीका से हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं ये सब, और आपको पता है कि हिस्ट्री वाले बहुत सारे लोग पास किए हैं इस बार, बहुत सारे लोग हिस्ट्री वाले इंटरव्यू दे रहे हैं इस बार। तो जो ये मॉक इंटरव्यू चल रहा है विभिन्न कोचिंग संस्थानों में, वहां से मुझे रिपोर्ट आ रहा है कि ऐसे ऐसे लोग इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं, और उनका कहना है कि भाई हम तो कोई होते नहीं है, हमारे पास छात्र आ रहे हैं और हम एक स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछना शुरू कर रहे हैं कि जैसे हिस्ट्री में ही हुआ या ज्योग्राफी में हुआ तो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और हम तो देख रहे हैं कि इन्हें साधारण फैक्ट भी नहीं पता है, और 108 कट ऑफ ये पार करके आए हैं। और आपको हम बताएं कि बहुत सारे शिक्षकों ने मुझे कहा कि अब तो मुझे विश्वास होता है कि 66वीं में सेटिंग हुआ है, अच्छे से हुआ है, और ये लोग जितने लोग पास किए हैं मैक्सिमम लोग, वो लोग सेटिंग के ही परिणाम है, क्योंकि आप 108 कट ऑफ BPSC में, हमने भी देखा है कितना लोग तैयारी किया जो कि सिलेक्टेड हुआ, अंडर 50 रैंक आया, और वो लोग का भी कट ऑफ जो है वो 108 तक नहीं जाता था, 100 के आसपास रहता था। मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद दिया और मेरा हाईएस्ट कट ऑफ PT में था, आपको बताएं 53 से 55 में 106 था, जबकि मैं लगातार 3-4 बार मैं PT में निकाला हुआ हूँ BPSC का, लेकिन कभी भी मेरा जो है वो ऐसा नहीं था कि 110 या 15 मैंने बनाया हो। और मेरे साथ के बहुत सारे दर्जनों दोस्तों ने मेरे साथ PT निकाला, मेंस दिया हमने, कई साल हमने तैयारी किया, और किसी का भी कट ऑफ ऐसा नहीं होता था कि अब प्रत्याशित 110, 120, 115, 118 चला जाए, सबका वही होता था 98, 99, 102, 101, 100, किस कोई OBC है तो उस कारण से उनका 96, 95 पे भी हो गया। लेकिन 66वीं में का एक 108 कट ऑफ चला जाता है, और ऐसे ऐसे कैंडिडेट आ रहे हैं जिनको साधारण बात पता नहीं है, जो कि एक कहा जाए तो 5वें 6ठे के स्टूडेंट को पता होता है। टीचर क्या कहना है कि हम एक लेवल से शुरुआत करते हैं, और हमें तो अंत में ये पूछना पड़ता है कि आप एंशियंट इंडिया के 2-3 हिस्टोरियन के नाम बता दें जिसके आपने किताब पढ़े हो, आपने मॉडर्न हिस्ट्री के जो किताब पढ़े हैं वो 2-3 राइटर का नाम बता दें आप हमको।
और उसमें भी गड़बड़ा जा रहे हैं लोग कि सर मैंने तो ऑनलाइन पढ़ा, सर मैंने तो ये कोचिंग का नोट्स पढ़ा, तो क्या हो रहा है ये पता नहीं, लेकिन आशंकाएं जो शक जो है वो अब शिक्षकों का भी मजबूत होते जा रहा है कि 66वीं परीक्षा में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर हुआ है पीटी में। हम ये नहीं कहते हैं कि सारे के सारे कैंडिडेट गलत हैं, ऐसा कभी भी हो भी नहीं सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने मेहनत के दम पर उन्होंने पीटी मेंस में सफलता प्राप्त की और फाइनल सिलेक्शन में उनका होगा, लेकिन बहुत सारा संख्या वैसे लोगों का है जो आपको बता दे कि उनके मेरिट पे डाउट है, उनकी योग्यता पे डाउट है। और देखिए आप जांच में हमने आपको बताया था और जांच में बातें भी निकल के आ रही है कि इस बार आंसर सॉल्व नहीं हो पाया, समय से क्वेश्चन नहीं मिल पाया, जिसके कारण क्वेश्चन को आउट करा दिया गया कि पैसे वापस ना करना पड़े जिनसे उन्होंने पैसे लिए थे, और एग्जाम कैंसिल हो जाए कि अगला बार फिर एग्जाम होगा तो हम समय से क्वेश्चन निकालेंगे 66वीं की तरह और उसको सॉल्व करके उसका आंसर दे देंगे उनको, हम वो आराम से पीटी पास कर जाएंगे। लेकिन इस बार वो नहीं हुआ, इसके कारण है कि क्वेश्चन ही वायरल कराना पड़ा कि एग्जाम टल जाए। तो जांच चल रहा है 67वीं में और हम आशा करेंगे कि इसमें 66वीं के भी प्रश्न खोजे जाए कि 66वीं में आखिर 108 कट ऑफ क्यों चला गया, जो कि बीपीएससी में कभी नहीं गया था। आपको बताया कि 53 से 55 के बीच में 104 कट ऑफ गया था, लेकिन फिर बाद में हाई कोर्ट में केस हुआ तो कट ऑफ घट के 100 आ गया जनरल कैटेगरी का, और 108 चला गया ये। और आपको हम एक और चीज़ बता देना चाहते हैं कि हमारा जो पत्रकारिता करने का जो उद्देश्य है वो न किसी को बचाना है न किसी को फंसाना है, जो भी रियलिटी है और हमारा धर्म जो है उस धर्म का भी पालन करना है कि हम किसी को ना माने से हम उसको दोषी नहीं बना सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप छात्र हैं, तो हो सकता है कि आप पीड़ित हो तो आपकी नाराजगी हो तो आप नाराजगी के कारण जो है उनको दोषी बना सकते हैं, किसी को भी, आयोग को बनाए किसी को भी बनाए, लेकिन हम कैसे बना सकते हैं। हमारा धर्म है कि जो भी बात निकल के आती है उसको हम साझा करें। हाँ, अगर कोई दोषी साबित होता है तो हम भी उनसे प्रश्न पूछेंगे, हम भी उनके बारे में बहुत सारे आरोप लगाएंगे और जो आपके आरोप है वो भी रखेंगे, लेकिन ये न सोचें आप कि हम जो है किसी को बचा रहे हैं या किसी का साथ दे रहे हैं। लगातार इस खबर का कवरेज हम कर रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जहां तक जांच जाएगा, जिस दिन जांच खत्म होगा उस दिन तक रहेंगे और जांच सही दिशा में, और आपके और हमारे प्रश्न जो कि जनरल लोगों के प्रश्न है उसके जवाब जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम ये मुद्दा उठाते रहेंगे। तो आप भी पेशेंस रखें और इंतजार करें कि जांच कहां तक होता है, सही होगा तो सबसे अच्छा, गलत होगा तो आप भी बोलिए और हम भी प्रश्न उठाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।